एक समय की बात है, अंधेरे जंगल के भीतर एक राजसी और रहस्यमयी जगह थी जिसे रेवेन्सवुड मनो के नाम से जाना जाता था। पुरानी हवेली अपनी भव्य वास्तुकला और आईवी आच्छादित दीवारों के साथ एक भयावह प्रतिष्ठा थी जिसने इसका नाम बोलने की हिम्मत करने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। कीर्तनती है कि बहुत समय पहले रेवेन्सवुड नाम का एक धनी परिवार जागीर में रहता था। उनके बारे में कहा जाता था कि वे क्रूर और हृदयहीन थे, अपनी विशाल संपत्ति पर सख्ती से शासन करते थे और अपनी जमीन पर मेहनत करने वाले गरीब ग्रामीणों पर कोई दया नहीं दिखाते थे। हवेली की दीवारों के भीतर छिपे एक भयानक रहस्य के बारे में अफवाहें उड़ी। ये रहस्य इतना भयानक था कि इसने रेवेन्सवुड परिवार पर एक लंबे समय तक रहने वाला अभिशाप छोड़ दिया था। भूतिया प्रेत का पहली बार दर्शन एक तूफानी रात में हुआ जब एक अकेले यात्री ने मूसलाधार बारिश से बचने के लिए शरण मांगी। थके हुए पथिक ने घर की प्रतिष्ठा से अनजान आश्रय की तलाश में विशाल ओक के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुला और यात्री ने अंदर कदम रखा। केवल भयानक सन्नाटे ने उसका स्वागत किया। जैसे ही यात्री ने मंद रोशनी वाले कमरों का पता लगाया, अजीब घटनाएं सामने आने लगी। टिमटिमाती मोमबत्तियां अदृश्य संस्थाओं के साथ नृत्य करती प्रतीत हुई और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। अचानक एक ठंडी हवा गलियारे में दौड़ी, अपने साथ एक शोकपूर्ण विलाप लेकर आई जो हवेली के सुनसान कक्षों में गूंज उठी। जैसे ही छायादार आकृतियां प्रकट हुई और उनकी दृष्टि के कोनों में गायब हो गईं, पथिक का दिल धड़क उठा। रेवेन्सवुड मनो में व्याप्त उस अकथनीय आतंक से बचने के लिए बेताब यात्री दरवाजे की ओर तेजी से पीछे हट गया, लेकिन उनके डर से प्रवेश द्वार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया जिससे वे प्रेतवादित हवेली की गिरफ्त में फंस गए। जैसे जैसे रातें हफ्तों में बदलती गईं, यात्री के गायब होने की बात पूरे गांव में फैल गई। किसी ने भी अशुभ रेवेन्सवुड मनो के पास जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उस दुष्ट आत्मा का सामना होने का डर था जो अब इसके हॉल में घूमती है। चेतावनियों के बावजूद अमेलिया नाम की एक दृढ़ निश्चयी युवती के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक बहादुर समूह ने जागीर को त्रस्त करने वाले अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लिया। मोमबत्तियों, नमक और धूप से लैस होकर वे एक चांदनी रात में हवेली की दहलीज पार कर गए। अंधेरे हॉल के भीतर समूह को रेवेन्सवुड परिवार की बेचैन आत्माओं का सामना करना पड़ा। प्रताड़ित आत्माएं अनंत पीड़ा में फंसी हुई लग रही थीं, जो अपने प्रेतवाधित अस्तित्व से मुक्ति के लिए तरस रही थीं। जैसे ही समूह रहस्य की गहराई में उतरा, दुख की फुसफुसाहट और पीड़ा भरी चीखें हवा में गूंज उठी। अमेलिया का निडर दृढ़ संकल्प उसे अटारी तक ले गया जहां कहा जाता था कि रेवेन्सवुड परिवार के रहस्य छिपे हुए थे। वहाँ धूल से भरे ट्रकों के बीच छिपी हुई उसे हवेली के पूर्व निवासियों में से एक की एक भूली हुई डायरी मिली। इसके पन्नों में रेवेन्सवुड्स द्वारा किए गए काले कामों का वर्णन किया गया है जिसमें उनके लालच, विश्वासघात और उस जघन्य अपराध का खुलासा किया गया है जिसने उन्हें अभिशाप से बांध दिया था। जैसे ही अमेलिया ने डरावनी प्रविष्टियां पढ़ी, छाया से एक वर्णक्रमीय आकृति उभरी। परिवार की कुलमाता लेडी जेनेवीव रेवेन्सवुड का भूत। उसका अलौकिक रूप भयावह और दयनीय दोनों दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में सदियों का दुख और पश्चाताप झलक रहा था। आंसू भरी फुसफुसाहटों के माध्यम से लेडी जेनेवीव ने दुखद सच्चाई का खुलासा किया। विश्वासघात, हत्या और बदले की एक कहानी जिसने उसके परिवार की आत्माओं को रेवेन्सवुड मनोर के हॉल में भटकने के लिए हमेशा के लिए शापित कर दिया था। आत्मा की दुखद कहानी से गहराई से प्रभावित होकर अमेलिया ने पीड़ित आत्माओं को शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। अनुष्ठानों और गंभीर प्रार्थनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने उस अभिशाप को तोड़ने की कोशिश की जो उन्हें बांधे हुए था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अमेलिया के दृढ़ संकल्प ने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। वर्णक्रमीय उपस्थिति लगातार कम हो गई और रेवेन्सवुड मनोर में एक नई शांति स्थापित हो गई। अंत में एक तूफानी शाम जब अमेलिया भव्य सीढ़ी पर खड़ी थी, एक नरम गर्म रोशनी ने पूरी हवेली को घेर लिया जो बेचैन आत्माओं की रिहाई का संकेत दे रही थी। अभिशाप टूट गया था और रेवेन्सवुड परिवार की आत्मा को अंततः शांति मिली। उस दिन के बाद से रेवेन्सवुड मैनर की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा दूर की स्मृति में धूमिल हो गई।
अब कोई डर नहीं था, पुरानी हवेली अतीत की याद दिलाती थी, अब एक ऐसी जगह जहां कैंप फायर के आसपास साहस और मुक्ति की कहानियां साझा की जाती थी। और इस तरह प्रेतवाधित रेवेन्सवुड मनोर की किंवदंती समाप्त हो गई और अमेलिया की बहादुरी और करुणा को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, सबसे अंधेरी रातों में यदि आप ध्यान से सुने तो आप अब भी शांतिपूर्ण रेवेन्सवुड मनोर की दीवारों के भीतर गूंजती हुई अतीत की हल्की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर नेक्स्ट वीडियो।